नमस्कार, डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी अपरा एकादशी। एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में आज हम अपरा एकादशी व्रत की महिमा जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी तिथि को भगवान नारायण श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत रहने का विधान है। शास्त्रों में वर्ष भर के पूरे माह के प्रत्येक पखवाड़े में पड़ने वाले एकादशी की महिमा बताई गई है। श्री हरि नारायण ने स्वयं अपने मुख से एकादशी की महिमा और इससे होने वाले लाभों को बताया है। अपरा एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पुण्य अपार होता है और व्रत रहने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर से तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते। कहते हैं कि जो विधिपूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भक्त का घर धन धान्य से भरपूर कर देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अपरा एकादशी हर साल मई या जून महीने में आती है। आइए अब जानें एकादशी व्रत की महिमा। अपरा एकादशी की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस व्रत की महिमा पे अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इसी में से पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में महीध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ करता था। राजा महीध्वज जितना नेक था उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महीध्वज से द्वेष करता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वज्रध्वज अपने मनसूबे में कामयाब हो गया। उसने राजा महीध्वज को मारकर उसे जंगल में फेंकवा दिया और खुद राज करने लगा। तो राजा महीध्वज को असामयिक मृत्यु के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह प्रेत बनके वहीं एक पीपल के पेड़ में रहने लगे। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई ने आतंक और भय का एक माहौल कायम कर दिया। प्रजा दुखी रहने लगी। राजा वज्रध्वज के पापों से प्रजा दुखी थी और उसके आतंक से भयभीत प्रजा को दोहरी मार झेलना पड़ा। एक ओर वज्रध्वज का आतंक और दूसरी ओर महीध्वज जो प्रेत बन के लोगों को सताना शुरू कर दिया। पीपल में प्रेत योनि में रहने वाले महीध्वज ने आने जाने वालों को दुख पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। राजा महीध्वज के पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि एक बार उस पीपल के पास से एक पहुँचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने उसे देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया, फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और राजा महीध्वज वैकुंठ गमन कर गया। इसी तरह अपरा एकादशी के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। एक राजा ने अपने राज्य में बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। फूलों के बाग में रंग बिरंगे फूल सुंदर खुशबू बिखेरते थे। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। वे उद्यान से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा इस चोरी से परेशान था। लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। उसने अनेक उपाय कर लिए कि चोरी का पता लगे, लेकिन उसे पता नहीं लगा कि ये फूलों को ले जाता कौन है। उसने राज पुरोहितों को याद किया। सभी ने अंदाज लगाया कि हो सकता है यह कोई देवी शक्ति का चमत्कार हो। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वे राजा के उद्यान से पुष्प चुरा के ले जा सकें। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए, देखते हैं बात बनती है कि नहीं। राजा ने ऐसा ही किया। भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प उसने उद्यान के चारों ओर फैलवा दिए। देवताएँ और अप्सराएँ तो नित्य ही आती थी। पुष्पों के फैलने के बाद भी वह एक दिन उद्यान में आई। दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए पुष्प पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर राजा को खबर की गई। राजा भी देखते हुए सब भूल गए। वो उस अप्सरा पर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। तब राजा ने अप्सरा से कहा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अप्सरा ने राजा को बताया कि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी उपवास रखकर यदि उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक दान देने की घोषणा कर चुका था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब सुना ही नहीं था। परेशान अप्सरा ने स्वर्ग में चित्रगुप्त को याद किया। चित्रगुप्त ने अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी, इस नगर में एक सेठानी रहती है जिससे अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्ग लौट गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी व्रत का महत्व समझ चुका था। उसने अपने राज्य में 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष उम्र तक के सभी लोगों को एकादशी का व्रत रहना अनिवार्य कर दिया। इससे राज्य में धन धान्य और समृद्धि छलकने लगी और वह राज्य समृद्धशाली राज्य के रूप में जाना जाने लगा। यह है अपरा एकादशी व्रत की महिमा।